अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अभी ब्रॉडकास्ट और मैं हूं मोहम्मद मसूद बेग। और आज हम आए हुए हैं ओल्ड बाकू में। ओल्ड बाकू में हमने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, तो हमने सोचा जो है वो देखने आप ओल्ड बाकू में आए, लेकिन यहाँ जो है वो अनार के पेड़ लगे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इस तरफ सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। ये हमारे साथ कैट हैं, वो भी इंजॉय कर रही हैं। ये कुछ शॉप्स हैं, स्टॉल्स वगैरह हैं। ये मैंने एक नाइट में भी इनका व्लॉग बनाया था, तो ये क्या अभी हम डे में निकले हैं, तो डे में ज़रा विजुअल जो है वो क्लियर होगी। ये सब दोस्त हैं मेरे जो खड़े हुए हैं। ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं। और वो जो उस तरफ देख रहे हैं ना आप, वो वॉल जो है वो पुरानी जो है वो किला टाइप वॉल है। और ये सारी इमारतें जो हैं वो बहुत पुरानी इमारतें हैं। ये ओल्ड बाकू इसलिए इसको कहा जाता है कि रशिया से जब मिला हुआ था बाकू, यानी जब रशिया था यहाँ पर, तो उसकी ही इमारतें हैं ये सारी। इन्होंने अभी तक इनको संभाल के भी रखा हुआ है। टूट फूट होती है या जो भी होता है, इसको साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारी तरह नहीं। बस जो टूट गया तो टूट गया। ये देखें, ये दोस्त यार इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और केट केट हमारे साथ फिर आ गई। बिल्लियाँ बड़ी जहाँ की जो है वो फ्रेंडली हैं, भागती नहीं है ना आपसे, डरती हैं। आगे चलते हैं, आपको और मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं। स्टैचू वगैरह बना हुआ है और लोग यहाँ, इनकी स्टैचू की हिस्ट्री होगी एक। और ये बड़ा अच्छा खासा बड़ा स्टैचू है, और ये ना ये उस पर पत्थर को काट के बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था। लोग जो है वो इसी में आके मैजिस लेते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलें और भी आगे चलते हैं। ये देखें इमारत, देखें कितनी कदीम पुरानी इमारत है। अब इस तरह की इमारतें बनती नहीं। ये देखें जी, ओल्ड बाकू के अंदर जो है वो ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ कर, जिनमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, कुछ जिसमें बनाए हुए हैं अपनी सकाफ़ती चीज़ें ये लोग दिखाते हैं। और बड़ी कोई शानदार और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस जगह से हम आए हैं अभी, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में भी हमने देखी थी ना, हम लोग लकड़ी के ऊपर लिखते हैं और ये प्लास्टिक के ऊपर लिख रहे हैं। ये कुछ बर्तन शर्तन रखे हुए हैं भाई, बहुत पुराने। यह स्टॉल्स लगाए हुए हैं लोगों ने। और ये इस तरफ से हम बाहर की तरफ जाएंगे। ये सब जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, ये सब पुरानी बिल्डिंग है। इस रास्ते से लोग आ रहे हैं और ये इधर होटल्स बने हुए हैं। रात में मैं आया था इस जगह जो है, मैंने कुछ बाकियात को संभाल के रखा हुआ है। स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं, वो खाना पीना कर रहे हैं। अंडरग्राउंड भी कोई मार्केट वगैरह उनको बनाई हुई, अपनी सकाफती चीज़ें दिखा रहे हैं ये लोग। कारपेट्स वगैरह बहुत बनाते हैं। चलिए, इन्होंने बोर्ड लगाया भाई, ये कोई इनकी बाकियात हैं, कोई कब्र हैं, ये भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखें कुछ कब्रें हैं और कुछ जो है ये मुजस्मे लग रहे हैं। और इन्होंने बड़े तरीके से जो है वो इस चीज़ को संभाला है। और साथ में देखें ऊपर होटल खोल दिया है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं व्यू को, और जो है वो अपनी बाकियात भी इन्होंने संभाल के रखी हुई। चलें और आगे की तरफ चलते हैं। रात में हम आए थे इस तरफ ना, तो ये बड़ी कोई ज़बरदस्त इनकी लाइटिंग हुई हुई होती है। यहाँ से भी देखें कुछ चीज़ें यहाँ भी इन्होंने रखी हुई। लोग आते हैं यहाँ फ़ोटो शूट करवाते हैं, नीचे जाके एंजॉय करते हैं। और चारों तरफ इस एरिया के जो है वो होटल्स बने हुए हैं। दरख्त से ही अंदाज़ा लगा लें, दरख्त जितना घना है और जितना पुराना है ना दरख्त, ये दरख्त ही बहुत पुराना लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है भाई हम जैसे पाकिस्तान में वो जो मोइनजोदड़ो जाते हैं ना, मोइनजोदड़ो ही लग रहा है ये तो, ओल्ड बाकू।
लेकिन इन्होंने देखें इसको संभाला इतने तरीके से है कि यहाँ लोगों के घूमने फिरने की प्लेसेस बनाई है, उसको खाने वगैरह की होटल्स वगैरह बना दिए ताकि लोग आते हैं इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ तो जो है वो बस रखा हुआ ही है भाई, बस वहीं जो दड़ो। इस तरह इन्होंने खर्चा करके अपने मुल्क के लिए जो है वो सरमाया जमा कर रहे हैं। ये होता है भाई तरीक़ेकार ना। ये बंदा है जो ना मेरे व्लॉग में से हटता ही नहीं है, हर व्लॉग में ये घूम रहा फिर रहा नज़र आएगा, ठीक है, ये हटता ही नहीं। अच्छा यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन टिकट है, हम तो नहीं जा रहे, किसी को जाना हो तो वो जा सकता है। यहाँ उधर जो है वो एक पार्क है जहाँ वो मैंने आपको दिखाया था ना फार्मूला वन की चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, वो अभी भी लगी हुई है, ये उतार रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अगर फार्मूला वन वाला किसी ने व्लॉग नहीं देखा तो वो देख लें, वो देखें वहाँ फ्लेम टावर है। चलें और आगे चलते हैं। ये देखें जी, इन्होंने यहाँ ओल्ड बाकू का मैप बना के लगाया है, इस जगह से अभी हम निकले हैं, जो किला आपको दिखाया अभी, और इसकी यहाँ कुछ हिस्ट्री इन्होंने यहाँ मेंशन की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये कोई जैसे टच लैंग्वेज होती है ना उनके लिए भी किया है। देखें देखें जी, अच्छा ये मुझे मेटल का लग रहा है बना हुआ ना भैया, क्या बोल रहे हो किधर कुछ बोल रहे हो? मेटल है, मैं कह रहा था तुम ना शॉट यहाँ से, हाँ यहाँ से छोड़ ले, अब रिवर्स ले गया। ये हमने टीवीसी बनाना है इसका, ये देखें ये बेटा मैं इंतज़ार कर रहा है। ये हमने आपको ऊपर से दिखाया था तो अब हम नीचे आ गए हैं, तो सोचा आपको करीब से ज़रा यहाँ की चीज़ें दिखाएं। अब इनके पास तो इतना सा है, हमारे पास तो बहुत बड़ा मोहनजोदड़ो है, बनाना चाहें तो हम इससे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बाकियात हमें तो मिली हैं, ये देखिए यहाँ कुछ कब्रों के जो है वो नक्श हैं, यानी कह लो कब्रों की तख्तियाँ मुझे लग रही हैं ये, और ये कुछ कब्रें हैं यकीनन वो जो है अपना सुल्तानों की या वज़ीरों की या इस तरह के लोगों की जो है ना वो कब्रें हो सकती हैं। ये साइंस देखें, वही इजिप्शियन साइंस हैं ये, तो भाई इस तरह जो है वो इन्होंने बचा के रखा हुआ चीज़ों को, और जो कुछ इन्होंने मिला है उसको भी ये टूरिज़्म के लिए लगा रहे हैं ताकि एक इनकम जनरेट हो जाए मज़ीद, और साथ में साथ ये होटल्स वगैरह बनाए, तो भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा किस तरह जो है वो इन्होंने इन चीज़ों को संभाल के रखा है और उससे पैसे भी कमा रहे हैं। इसी एरिया के जो है हमने वो नाइट व्यू बनाया था, तो ये इसका डे व्यू है। ये जो इमारत देख रहे हैं पुरानी किला टाइप, ये इनके कॉइन्स पे भी है ना, तो कॉइन्स को ये लोग कहते हैं केपी, केपी के अंदर जो है वो इनके 50 केपी भी हैं, 20 केपी भी हैं, 10 केपी भी हैं, 5 हैं, 3 हैं और 1 केपी भी हैं, तो ये इमारत इनकी बनी हुई है, और कॉइन पे जो है इनका मुल्क का मैप और साथ में जो है वो ये इमारत बनी हुई है। आगे एक और इमारत भी है, वो भी दिखाते हैं हम आपको। ये मस्जिद भी जो है वो यहाँ बड़ी फेमस है और पुरानी मस्जिद है, कदीम मस्जिद है, तो यहाँ जो है वो हम गए थे, अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। चलिए पहले सोचा आपको एक शॉर्ट्स बना के दिखाएं, तो फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर से भी। इसकी कंस्ट्रक्शन देख के ही लग रहा है कि भाई ये बहुत पुरानी और कदीम जो है वो मस्जिद है। अब पता नहीं अंदर अलाव है नहीं है मस्जिद में, बाहर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत बनी हुई है, देखिए अभी मेरे ख्याल शायद यहाँ नमाज चल रही है, लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें, चलें बाहर की तरफ चलते हैं।
ये है जी ओल्ड बाकू, और इसकी सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करते हुए आए हैं। पूरी गली है ये, और भी चीज़ें हैं जो हम कवर नहीं कर सके। हमारे चैनल पे आप जो है वो कमेंट्स करके बताइए हमें, वो चीज़ें भी बाकू की कवर करते हैं। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वो सामने देखें फ्लेम टावर है, और यहाँ शॉप्स वगैरह कुछ बनी हुई हैं। तो ये भी पुरानी बिल्डिंग है भाई। तो ये था जी ओल्ड बाकू का डे व्यू, और आपको जितना हम दिखा सके वो हमने कवर किया है इसके अंदर। और अगर कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, वो हम जो है वहाँ भी जाकर आपके लिए व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर बाकू के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप चाह रहे हैं कि भाई हमें ये प्लेस विजिट कराएं अपने व्लॉग के अंदर, हम जाके आपके लिए जो है वो वीडियो और व्लॉग बनाएंगे। तो मेरे चैनल पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।